शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद प्रदेश की लाडली बहनों में निराशा है। साथ ही यह भी एक बड़ा सवाल है कि अगर मामा मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या अब लाडली बहना योजना भी बंद हो जाएगी। ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा, अभी तो शुरू किया है मैंने। प्रदेश की तमाम उन महिलाओं को इस बात की चिंता सता रही है कि अब लाडली बहना योजना बंद हो सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है और इस योजना को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। बता दें कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ऐसे में शिवराज सरकार में चल रही योजनाएं मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस नई सरकार में जारी रहेंगी भी या नहीं, यह सवाल उठना भी लाजिम है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि अब मामा मुख्यमंत्री नहीं है तो उनकी लाडली बहना योजना भी बंद हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मामले में राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि चूंकि सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, सरकार बीजेपी की ही है, ऐसे में लाडली बहना योजना भी जारी रहेगी और यह योजना इतनी चर्चा में है कि इसको जारी रखने का दबाव खुद प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी होगा, क्योंकि यह एक ऐसी योजना रही जिसने चुनाव की सारी बाजी पलट दी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। ऐसे में बीजेपी लाडली बहना योजना को बंद करने की गलती भूलकर भी नहीं कर सकती। वहीं एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को कल्याणकारी बताया और इस बारे में कहा कि यह योजना प्रदेश की बहनों के लिए कल्याणकारी साबित होगी। महिला सशक्तिकरण के काम में भी अवेयरनेस पैदा करना है। अब देखिए, मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीजें की जा सकती है अनेकों काम करने के लिए। वही एक सवाल यह भी है कि लाडली बहना की मासिक सहायता को बढ़ाकर 3000 रुपये करने और इसे अविवाहित महिलाओं तक बढ़ाने के वादे का क्या होगा। इस बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह बात बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है भी या नहीं। अगर यह बात घोषणा पत्र में है तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे हर हाल में पूरा करेंगे, क्योंकि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह तय है कि यह योजना पूर्व की तरह आगे भी जारी रहेगी और प्रदेश की महिलाओं के खाते में इस योजना से पैसे आते रहेंगे। बता दें कि बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की थी, जिनमें कन्या विवाह योजना, गांव की बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रतिभा किरण योजना और बेटी बचाओ अभियान के अलावा स्वागत लक्ष्मी योजना जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।